कमी कहानी हिंदुस्तानी शॉर्ट स्टोरी इन हिंदुस्तानी टाइटल कमी। सूरज से निकल रही श्वाएं अब किरणें बन चुकी थीं और अपने माजी की कहानी कहता सूरज अब सिर्फ दो घड़ी का मेहमान था। कल फिर सुबह होगी, कल फिर सूरज निकलेगा और आज की कहानी तारीख बन चुकी होगी। सिर्फ यादें बाकी होंगी, कुछ ताज़ा कुछ धुंधली। रफ्ता रफ्ता आज को सब भूल जाएंगे और कल के सूरज की जवानी में खो जाएंगे। सूरज की इस बची खुची रोशनी में एक राहगीर अपने रास्ते पर गामजन था। सड़क पर पड़े पत्थरों को ठोकरें मारता, पास उगी झाड़ियों से फूल तोड़ नोच नोच कर फेंकता। ये नन्हा सा राहगीर अपने ख्यालों में गुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। कंधे पर स्कूल की किताबों से भरा बस्ता टांगे, हाथ में एक पानी की कुप्पी थामे, यह शाहिद था जो अपने घर की तरफ चला जा रहा था। वो सोच रहा था कि आज घर जाकर अम्मी को क्या क्या बतलाएगा, किस तरह उर्दू टीचर ने उसके लिखे कंपोजिशन की तारीफ की थी, किस तरह साइंस के सर ने हरपाल को अपनी नोटबुक में गंदी तस्वीरें बनाते पकड़ कर सख्त डांट पिलाई थी, किस तरह इंग्लिश टीचर के 10 मिनट लेट हो जाने पर सब बच्चों ने मिलकर क्लास में हुल्लड़ मचाया था और किस तरह उन्होंने आने के बाद सारी क्लास को बाकी पीरियड के लिए बेंच पर खड़े हो जाने की सजा दी थी। कितना मजा आया था, मस्ती भी मार ली थी और पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ी थी। काश इंग्लिश टीचर रोज लेट आए। शाहिद रोज इसी तरह घर जाते ही अपने सारे दिन की कहानी अम्मी को सुनाता था। घर में बस अम्मी ही तो थीं, पापा तो थे ही नहीं। बस अम्मी ही, पापा, चाचा, मामा सभी कुछ थीं। जब कभी वो दूसरे बच्चों से उनके चचाओं मामुओं का जिक्र सुनता तो उसे किसी कमी का एहसास होता। दूसरे बच्चों को अपने अपने पापाओं के कंधों पर लदे देखकर कई बार उसकी भी ख्वाहिश हुई कि वो अम्मी से कहकर अपने लिए एक पापा मंगवा ले, मगर ये ख्वाहिश वो बहुत कम अपनी जुबान पर ला पाया था। जब भी वो पापा की फरमाइश करता अम्मी अफसरदा हो जाती, या तो टाल देती या चुप हो जाती और फिर कई कई घंटे गुमसुम बैठी रहती। अम्मी का खामोश हो जाना उसको बहुत खलता। एक वही तो उसकी दोस्त थी, उन्हीं से तो वो दुनिया जहान की बातें करता रहता था, उन्हीं के साथ हंसता खेलता था। आसपास वैसे बच्चे तो काफी थे मगर उनके साथ खेलना उसे कभी अच्छा न लगा था। जरा जरा सी बात पर झगड़ते, अपनी हस्ती के नशे में शराबोर ये मतलबी बच्चे उसे कभी न भाए। यूं भी सारे बच्चे सुबह के स्कूल में जाते थे और अम्मी उसे दोपहर के स्कूल में भेजती थीं। शाहिद को इतनी दूर आना जाना अच्छा न लगता था मगर अम्मी कहती थीं कि और कोई चारा भी तो नहीं था। उनका अपना ऑफिस
दोपहर का है, और अगर वो शाहिद को सुबह के स्कूल में भेजेंगी तो फिर दोपहर में शाहिद किसके पास रहेगा? आसपास वाले अजीब लोग थे, कभी ना अम्मी से ढंग से बात करते न खुद उससे। बस एक रूपा आंटी थी जो कभी कभी आती जाती रहती थी और थोड़ा बहुत हंस बोल लेती थी। उनका अपना कोई बच्चा न था और शाहिद उन्हें बहुत प्यारा लगता था, शायद उसी की खातिर आ जाया करती थी। मगर उसमें भी परेशानी ये थी कि उनका घर जरा दूर था, और जब भी वो आने लगती स्वरूप अंकल को आंटी के लिए कुछ न कुछ जरूरी काम यकीनन याद आ जाता था, और आंटी का शाहिद के पास आना टल जाता। शाहिद का जहन बहरहाल घूम फिर कर पापाओं की तरफ आ जाता, और वो खुदा से बड़ा शाकी होता कि उसने उसे एक अदद पापा से क्यों नहीं नवाजा। उसके स्कूल में एक लड़का था रोहित, रोहित के भी पापा नहीं थे। एक दफा शाहिद गया था रोहित के घर, रोहित उसको अपने पापा की तस्वीरें दिखाने ले गया था। घर में जा बजा उसके पापा की तस्वीरें आवेजा थी, एक बेडरूम में टंगी थी, एक डाइनिंग टेबल के ऊपर, एक रोहित की टेबल पर फ्रेम में जड़ी रखी थी। मगर सबसे अच्छी तो उसको वह लगी थी जो ड्राइंग रूम में बड़े फ्रेम में लगी दीवार पर टंगी हुई थी। अल्लाह, कितने स्मार्ट थे रोहित के पापा। हरी वर्दी पहने थे, शानों पर चमकते हुए तीन सितारे, क्लीन शेवन और नाक पर रखा चश्मा तो क्या ही शानदार लग रहा था। फोटो पर डली संदल की माला ने तो एक समा बांध रखा था। शाहिद खड़ा देखता ही रहा, न जाने कब तक देखता रहता अगर रोहित की मम्मी न मुखल होती तो। वैसे वो खड़ी तो बड़ी देर से थी बेडरूम के दरवाजे में, मगर शाहिद का इनहमाक देखकर बोली कुछ न थी। मगर उनसे ज्यादा देर सब्र ना हो सका, ढेरों प्यार उबलाया था और वो शाहिद को प्यार करके अपने पास बिठाकर बातें करने लगी। उन्होंने बताया कि रोहित के वालिद आर्मी में थे और महाज जंग पर मुल्क के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि रोहित बड़ा होकर अपने पापा की तरह आर्मी में अफसर बनना चाहता है और अभी से उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। शाहिद के पास गो इतने अल्फाज नहीं थे, मगर उसके दिल में भी अपने पापा को जानने और उन्हीं के जैसे बनने की हूक उठी। रोहित की मम्मी बड़ी देर तक शाहिद के साथ बैठी बातें करती रहीं। शाहिद से उसके पापा के बारे में पूछा कि वो क्या करते थे, कैसे थे। शाहिद को कुछ मालूम होता तो बताता, बेचारा मारे शर्म के ज़मीन में गड़ गया। रोहित की मम्मी बड़ी जहांदीदा थी, फौरन दूसरी बातें करने लगी, मगर शाहिद का दिल उसी फोटो के साथ लगा रहा। वापसी में रास्ते में एक दुकान से उसने अपनी इस हफ्ते की पॉकेट मनी से एक छोटा सा संदल का हार ले लिया। घर आकर अम्मी से पूछा कि अम्मी, पापा की तस्वीर कहाँ है? अम्मी, जो पहले ही से कुछ परेशान और गमगीन थीं, और ज़्यादा अफसरदा हो गईं। शाहिद के इसरार पर उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें फ़ोटो की ऐसी ज़रूरत क्या आ पड़ी? शाहिद ने कोई जवाब न दिया, बस फोटो मांगता रहा। जब देखा कि अब अम्मी गुस्सा भी होने लगी हैं, तो फिर बादिल नख्वास्ता उसने हार निकाल कर उन्हें दिखाया और कहा कि यह टांगना है उस पर। अम्मी तो एकदम बेफर गईं और हार छीन कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। शाहिद ने अम्मी को इतने गुस्से में पहले कभी न देखा था।
वह रोने लगा। उसके आंसू तो अम्मी को कभी बर्दाश्त ना होते थे, उन्हें भी रोना आ गया और वह शाहिद को सीने से लिपटाकर खुद भी रोने लगीं। दोनों एक दूसरे से चिमटे बड़ी देर तक रोते रहे और उस दिन के बाद से अपने पापा के बारे में शाहिद ने अम्मी से कभी इस्तफसार न किया, न उसने कभी पूछा, ना ही उन्होंने कभी कुछ बताया। हाँ, समाज का वो सुतून जो मिडिल क्लास कहलाता है, उससे आंखों ही आंखों में कुछ कहता रहा जो अगर वो कुछ बड़ा होता तो शायद समझ पाता। समाज कितना गंदा लफ्ज है ये, क्या समझता है अपने आप को? चाहता है कि हर शख्स उसी के हिसाब से चले, जो अपना रास्ता आप मुअय्यन करना चाहे उसको ये कभी नहीं बख्शता। बस जो ये कहे वो सही, बाकी सब गलत। हर शख्स उसी का ताब है, जो उसे ठुकरा दे न सिर्फ वो बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों तक से ये जल्लाद अपना बदला निकालता रहता है। शाहिद के पापा में इतना दम न था कि वो उसकी बेड़ियों से अपने आप को आज़ाद करा पाते। उन्होंने गुलामी पसंद की और समाज उनसे खुश रहा। शाहिद की अम्मी ने इस जाल को उतार फेंकने की कोशिश की और अब उनकी आने वाली नस्लों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज शाहिद अपने बाप का सूरत आशना भी नहीं, कभी अगर मिल भी जाएं तो वो खड़े होकर उनसे यह भी नहीं पूछ सकेगा कि अगर निभाना नहीं था तो प्यार क्यों किया था, उसकी निशानी क्यों छोड़ी थी। माना कि ये ज़रूरी नहीं कि एक शख्स उम्र भर किसी से प्यार करे, मगर फिर उम्र भर साथ निभाने की कस्में क्यों। माना कि समाज से टक्कर लेना हर एक के बस का रोग नहीं, मगर फिर सब कुछ ठुकरा कर सिर्फ एक दूसरे के लिए जीने के वादे क्यों। मगर ये सब पूछना तो दरकिनार, अभी तो शाहिद में इतनी समझ भी नहीं थी कि वो ये सब कुछ समझ सकता, और जब समझ सकेगा तो शायद यह मानकर कि बीती बातों को भुला देना ही अक्लमंदी है, वो इन सब सवालों को अपनी ज़बान पर न ला सकेगा। और न जाने कब तक उसके बाद आने वाले शाहिद भी इसी दर्द में डूबी अपनी ज़िंदगी काटते रहने पर मजबूर रहेंगे। लेकिन खैर, अभी तो उसकी दुनिया उसका घर है, उसका स्कूल है, और उन दोनों के बीच की ये सड़क। अरे हाँ, वो एक ज़रूरी चीज़ तो भूला ही जा रहा था, सबसे ज़रूरी चीज़ जो अम्मी को बतानी थी। नहीं नहीं, यहाँ मैंने ज़रा गलत बयानी से काम लिया, असल में वो चीज़ मैं लिखना भूला जा रहा था। शाहिद को तो अच्छी तरह याद थी, बच्चे कभी ज़रूरी बातें नहीं भूला करते, यानी जो बातें उनके लिए ज़रूरी हों वह बातें। आज उर्दू टीचर ने जिनकी आँखों का वो तारा था उसको चुपचाप एक खुशखबरी सुनाई थी, इस साल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड शाहिद को मिलने वाला था। इसी खुशी में मगन वो चला जा रहा था कि अचानक उसको एक अजीब सा एहसास हुआ, उसका दिल कुछ तेज धड़कने लगा, पेट के अंदर एक खला का सा एहसास होने लगा और कदम कुछ तेजी से घर की जानेब उठने लगे। जैसे जैसे घर करीब आता जा रहा था उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और उसकी चाल तेज से तेज तर होती जा रही थी, हलक में एक ढेला सा बनने लगा था और फिर वो दौड़ने लगा। अब उसको वह मोड़ नजर आ रहा था जिसको पार करते ही उसका घर नजर आने लगता था। वो अंधाधुंध दौड़ने लगा। मोड़ मुड़ते ही
लेकिन जैसे उसको एकदम से ब्रेक सा लग गया था, सामने उसका घर नजर आ रहा था और उसकी बेख्तियार हिचकियां निकलने लगी। अचानक उसे याद आ गया था कि आज तो उसे रूपा आंटी के घर जाना था। सुबह उन्होंने कहा था कि अब वो उन्हीं के घर में रहा करेगा, कल उसकी अम्मी का बस के हादसे में इंतकाल हो गया था ना,